दोस्तों अभी आप जिस फेस को स्क्रीन पे देख रहे हो इनका नाम है अगस्त चौहान, जिनके साथ रिसेंटली इतना बुरा इंसिडेंट क्रिएट हुआ है जिसमें इनकी ऑन द स्पॉट लाइव राइड में यहाँ पे एक्सीडेंट के दौरान मृत हो चुके हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो चुके हैं। इनके साथ क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सभी जितने भी हमारे राइडर भाई हैं जो ओला उबर रैपिडो जोमेटो स्विगी से प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं, जो यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए आप हाई स्पीड में उस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, उस राइड को कंप्लीट करते हैं, उनके लिए ये वीडियो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको इस वाक्य से, इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिलेगा। ओके यार प्रो राइडर, ये इसका नंबर है UK07D। ये बाइक का यमुना एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हो गया और उसकी ये यूट्यूब चैनल भी इसका प्रो राइडर वाले का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट क्या, डेड ही हो गया बेचारा, वो देखो। अब हम बात करते हैं अगस्त के साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पे आज जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं वो शख्स आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, बट इनके साथ क्या ऐसा हुआ, क्या इन्होंने ऐसी गलतियां कर दी, बिकॉज न्यूज रिपोर्ट तो कह रही है बिकॉज हाई स्पीड की वजह यहाँ पे ये हुआ है। तो अगर न्यूज रिपोर्ट के मारे तो यहाँ पे अगस्त चौहान आज के दिन यानी कि 4 मई 2023 के दिन यहाँ पे कोई राइड के दौरान यहाँ पे बाहर निकले थे घर से, और राइड के दौरान ही हाई स्पीड, बिकॉज इन्होंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि 300 किलोमीटर की यहाँ पे स्पीड छू पाना सुपर बाइक के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे राइडर कहते हैं कि हो पाती है, 320 किलोमीटर जा सकती है, 333 किलोमीटर जा सकती है, बट हम आज क्रॉस करेंगे। और यानी कि उन्होंने इस वीडियो में बोला भी था कि पहली बार मैं 300 के ऊपर यहाँ पे किलोमीटर चलने वाला हूँ, राइड करने वाला हूँ, यहाँ पे हाईवे में अपनी सुपर बाइक को दौड़ाने वाला हूँ। तो उस वीडियो में उन्होंने बता दिया कि पहली बार उनके साथ ऐसा होने वाला है, 300 किलोमीटर यहाँ पे छूने वाले हैं, और उसमें इनको डर भी लग रहा था, बट यहाँ पे ये ऑडियंस के लिए करना चाहते थे, ऑडियंस के लिए करके दिखाना चाहते थे। तो यहाँ पे इसी इंसिडेंट में इन्होंने 300 किलोमीटर का यहाँ पे टारगेट अचीव किया, बट दूसरे अभी अगस्त के लिए एक मुश्किल टास्क था, पर वो करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस को अपनी सेटिस्फाइड करना चाहते थे, ऑडियंस को यकीन दिलाना चाहते थे कि सुपर बाइक भी 300 के अबव की यहाँ पे किलोमीटर में रन हो सकती है, चल सकती है। तो यहाँ पे उस वे में तो चल सकती है, बट यहाँ पे कंट्रोल करना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया, बट उनसे वो बाइक, सुपर बाइक कंट्रोल नहीं हुई और उनकी हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, और बहुत बुरा एक्सीडेंट जिसमें उनकी गाड़ी तो बुरी तरह से डैमेज हुई हुई, साथ ही साथ उन भाई को अपने साथ ले गई। वो आज के टाइम पे हम सबके बीच नहीं है, अपनी फैमिली को अकेला छोड़ गए। आज के टाइम उनकी फैमिली क्या सोच रही है, कैसा उनके फील हो रहा है, वो हम भी महसूस कर सकते हैं, आप भी महसूस कर सकते हो अगर आप उनसे अभी तक कनेक्टेड थे। तो दोस्तों मैं ये वाक्य मैं आप सबको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म वर्क करते हो सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को दो, अपनी फैमिली को दो, उसके बाद कंपनियाँ यहाँ पर आती है। आप किसी भी कंपनी के अंडर में वर्क करते हो, इस तरह से आप फ्रस्ट्रेटेड होकर वर्क ना करो। फ्रस्ट्रेटेड होकर वर्क करोगे आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होगी। एक राइडर अगर आपको, एक कस्टमर आपको अच्छा मिलेगा तो जरूरी नहीं दूसरा कस्टमर अच्छा मिले, दूसरा कस्टमर अच्छा मिलेगा तीसरा कस्टमर जरूरी नहीं अच्छा मिले, कोई ना कोई आपको टेंशन देगा। और अगर आप टेंशन लेके काम करोगे आप ना ही अर्निंग कर पाओगे, ना ही सही से काम कर पाओगे, और आपके साथ हादसे भी होंगे। तो इसलिए कोई भी वर्क करो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करो। कंपनियां तो टेंशन देंगी, उनका काम है टेंशन है, काम जब टेंशन आप होगे तो आप काम करोगे, कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो जितना आप टेंशन फ्री होकर काम करोगे उतना अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करोगे, उतने अच्छे से वर्क कर पाओगे। एंड दोस्तों अभी लास्ट वन, अपनी गाड़ी की सीमा बिल्कुल एक लिमिटेड करो, एक लिमिटेड स्पीड से ही अपनी गाड़ी को चलाओ। ज़्यादा स्पीड में आप हाई ऑर्डर चलते या फिर ज़्यादा कमाने चलते अगर आप तेज़ गति से ऑर्डर डिलीवर करते हो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कोई भी इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है। चाहे जितने भी आप सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करते हो, ये भाई भी बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करें बट उसके चलते भी यहाँ पे इनके साथ हुआ ऐसा। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा चाहे जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करो, हाई स्पीड से कोई भी ऑर्डर डिलीवर ना करना, हाई स्पीड से कोई भी राइड कंप्लीट ना करना, अदरवाइज आप भी इस ऐसे इंसिडेंट का शिकार हो सकते हो। और इस वीडियो को मेरा बनवाने में मेरा मोन मोटो बस यही था कि ये अपडेट आपको देना था, ये इंसिडेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ चुका होगा, और भाई के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी, और आप भी अपना प्यार दिखाना इन भाई को, सपोर्ट करना, बिकॉज ये हमारे बीच तो है नहीं, बट यहाँ पे इनके लिए आप दुआ कर सकते हो, इनकी फैमिली के लिए आप दुआ कर सकते हो। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे इनके इस इंसिडेंट से आपको कुछ समझ में आया होगा। कभी भी हाई स्पीड में कोई भी व्हीकल आप ना चलाओ, कोई भी गाड़ी आप ना चलाओ, कोई भी आप ऑर्डर ना कंप्लीट करो, ना ही कोई राइड कंप्लीट करो, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज जय हिंद, वंदे मातरम।